हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एप्पल आईडी जो है कैसे सेटअप करना है वो वाला ट्रिक आपको बताऊं। मतलब बेसिकली ये जो है ट्रिक वीडियो नहीं है, ये फिर एक मैं बताने वाला वीडियो है, एक्सप्लेनेशन वाला है कैसे आप जो है अपना एप्पल आईडी आप सेटअप कर सकते हो या फिर अपने एप्पल आईडी को क्रिएट कर सकते हो। एंड जब भी आप अपने नया आईफोन को परचेस करते हो, अपना जीमेल से भी खोल सकते हो आप, जो कि नए यूज़र को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें जो एक पासवर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड देना पड़ता है। एंड यहाँ पे पासवर्ड आपको फर्स्ट में कोई भी डिजिट देना है, जैसे कि 1 2 3 ऐसा कुछ देना। आपको अपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर लेना है। कैपिटल करने के बाद आपको #$ ये कुछ आपको देना है लास्ट में। देन आपका जो है पासवर्ड आपका हो जाएगा, आप तब भी अपने एप्पल आईडी को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड देन सिंपली आप जब कर देते हो, एंड आपको अपना जीमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो फिर आपको डोंट हैव एन एप्पल आईडी पे क्रिएट कर लेना है, टैप कर लेना है। देन आपको क्रिएट एप्पल आईडी पे टैप करना है। देन यहाँ पे आपको जो है नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट एंड एक्सेट्रा यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सेट करने को बोल देगा। आपका जो है एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी जीमेल होगा तो फिर आप इसमें इंटर करके अपने पासवर्ड को जो है डाल सकते हो, ठीक है। डालने के बाद आपको जब आपको जो है लॉग आउट हो जाता है, देन आपको क्या करना है, आप कैसे इजीली अपना पासवर्ड को रीलॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है एप्पल आईडी, देन इसके बाद आपको अपना जो है जीमेल को डाल देना है। सिंपली मैं अपना जीमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है पुट करना पड़ेगा। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट, ठीक है। अबे मैं अपना पासवर्ड जो है पुट कर लिया हूँ, फिल कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है एंड यहाँ पे साइन इन टू आई क्लाउड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो है आई क्लाउड अकाउंट भी खुल जाएगा एंड आपको 5GB फ्री भी मिल जाएगा। आपको अपना कोई एप्स का डेटा बैकअप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो और अपना फोटोज़ और वीडियोस को भी सेव कर सकते हो। अगर आपको इतना दिक्कत होता है तो फिर आप अपने गूगल का ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो एंड वनड्रॉप, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें आपको फ्री स्टोरेज आपको मिल जाता है सेव करने में। देन आपको जो है अपना इंटर ओल्ड पासवर्ड मैंने जो है दिया था अपने लॉक स्क्रीन में वो मैंने डाल दिया। एंड आपको आई क्लाउड को भी सेव करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होगा जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया हूँ सेट। फाइनली मेरा एप्पल आईडी ओपन हो चुका है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मीडिया एज परचेस ऐप स्टोर का जो यहाँ पे लोगो लिख के आ रहा है ना, आपको इसे ऑन करके रखना है, वरना आप कोई भी ऐप्स यहाँ पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो है थोड़ा सा लोडिंग लेगा फिर से। एंड यहाँ पे साइन इन टू एप्पल मीडिया सर्विसेज, इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस हो सकता है एंड ऐप्स डाउनलोड करने में। यहाँ पे आपको जो है आई क्लाउड में भी यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। आपको कोई स्टोरेज जो है नहीं चाहिए स्टोर करके रखना, ज़्यादा फुल करना, तो फिर आप जो है यहाँ पे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो है आई क्लाउड बैकअप मुझे नहीं चाहिए, सो सिंपली मैं इसे टर्न ऑफ ही कर दूँगा कुछ इस तरह से। देन आपको अपने ऐप्स स्टोर पे जाना है एंड आपको ऐप्स भी मैं इंस्टॉल करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप्स पे पासवर्ड भी देना पड़ता है 1 टाइम। देन
देन ये देख लो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यूट्यूब का प्रीव्यू मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको कितने MB का मिलता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे भाई 273 MB बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है आईफोन में। ऐप सिंपली आपको यहाँ पे क्लाउड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। करने के बाद ये यहाँ पे लोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड मांगता है तो फिर आपको जो है पासवर्ड दे देना है। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो आज के लिए बाय बाय।